मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में अपने करियर की बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली। इनकी दोबारा वापसी एक नेता के तौर पर हुई। फिल्मी कहानी की तरह इनकी असल जिंदगी भी रोमांस, एक्शन, ड्रामा से भरपूर रही। ये कहानी है खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जयाप्रदा की, जो आज बॉलीवुड से पूरी तरह दूर है और इनका बॉलीवुड करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर आखिर जयाप्रदा का करियर बर्बाद क्यों हुआ? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इनके करियर बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी ने सच ही कहा है कि ये इंडस्ट्री जितना देती है उससे कहीं ज्यादा आपसे लेती भी है। 70 और 80 के दशक में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन कुछ मुश्किलों के दौर से गुजरकर भी खुद को संभाले हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं जयाप्रदा, जिन्हें ब्यूटी विद टैलेंट भी कहा जाता रहा है। मशहूर निदेशक सत्यजीत राय ने जयाप्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा भी कहा था। करियर की बुलंदियां छूने वाली जयाप्रदा की जिंदगी एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्होंने अपना करियर, प्यार, यहाँ तक शादीशुदा जिंदगी सब खो दिया था, लेकिन उस दर्द भरे अतीत से वो बाहर निकली। जी हाँ, जयाप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जब जयाप्रदा 13 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्मेंस किया था। उस कार्यक्रम में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए जिन्होंने जयाप्रदा को नोटिस किया और उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर किया। उन्होंने भूमि कोसम फिल्म में 3 मिनट का डांसिंग सीन किया था। इनका फिल्मी करियर 80 और 90 के दशक में काफी बुलंदियों पर रहा। जयाप्रदा ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसी बीच जयाप्रदा का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ भी जुड़ने लगा और इस समय इन्हें जितेंद्र के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी ट्रोल होना पड़ा, जिसकी वजह से इनके काम पर भी काफी इफेक्ट पड़ा। भले ही जयाप्रदा ने अपने करियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन इनका निजी जीवन विवादों में रहा। जब इनका करियर पीक पर था उस समय अचानक जयाप्रदा ने साल 1986 में श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। खास बात ये थी कि जिस शख्स से जयाप्रदा ने शादी की थी वो पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, पर शादी के बाद श्रीकांत नहाटा ने जयाप्रदा से फिल्मों में काम करने के लिए साफ मना कर दिया और जयाप्रदा ने इनकी बात मानते हुए बॉलीवुड पूरी तरह छोड़ दिया। लेकिन दोनों में बहुत से मतभेद होने के कारण कुछ सालों बाद ही जयाप्रदा श्रीकांत नहाटा से अलग हो गई। इसके बाद साल 1994 में जयाप्रदा ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और आज भी जयाप्रदा पॉलिटिक्स में ही सक्रिय हैं और बॉलीवुड से बहुत दूर हो चुकी हैं। और इनके बॉलीवुड से दूर होने की सबसे बड़ी वजह इनके पति श्रीकांत नहाटा हैं। जी हाँ, इनकी शादी ही इनकी जिंदगी की बर्बादी बन चुकी थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जयाप्रदा के साथ ये सब ठीक हुआ या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।